एपी 10-7-4 डॉट 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 तीसवां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवां पद क्या होगा, इस तरह से तीसवां पद हमको पूछा है डायरेक्ट। तो इसके बनाने क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है तीसवां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो जल्दीबाजी में से बनाना है। प्रथम पद ए मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर यानी कि डी, तो सार्व अंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि ए टू माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा ए टू कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस ए वन कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और हमको यानी कि तीसवां पद निकालना है, यानी एन बराबर हो गया आपका 30, एन बराबर 30 हो गया, और हमको तीसवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए, यह पहले से आप लोग को याद होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट अंडर वन माइनस और सार्व अंतर यानी कि डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन के जगह पे तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, ना कि तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का मान कितना है 10, तो 10 प्लस एन का मान 30, तो 30 माइनस 1, और इसका मान कितना निकला था माइनस 3, यानी कि गुना दे करके माइनस 3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना माइनस 3, तो अब क्या होगा यहाँ पर गुना होगा, तो 10 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 27 किलो 7 बाकी 2 3 छोड़ दो 8 छोड़ दो 8 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा ये आपका यानी कि 10 घट जाएगा तो माइनस 77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।